कोरोना महामारी के बुरे हालातों में गरीबों का मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले हफ्तों से दूसरे कारणों से चर्चा में हैं। दरअसल आयकर विभाग ने सोनू सूद पर इनकम टैक्स की चोरी करने का आरोप लगाया है। आयकर विभाग ने सोनू के 6 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद सोनू पर 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। वहीं अब सोनू ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सोनू सूद ने एक लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं में असर लगता है। इस लंबे पोस्ट में सोनू सूद ने लिखा, हमेशा आपको अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ऐसा करता है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा कर सका। मेरे फाउंडेशन में मौजूद एक एक रुपया कीमती जिंदगी बचाने और जरूरतमंदों के लिए है। इसके साथ ही कई मौकों पर मैंने विज्ञापन देने वाले ब्रांड्स को मेरी फीस डोनेट करने को भी प्रोत्साहित किया है, ताकि कभी पैसे की कमी ना पड़े। वहीं सोनू सूद ने आगे लिखा, मैं कुछ मेहमानों की आवभगत करने में व्यस्त था, इसलिए पिछले 4 दिनों से आपकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं था। अब मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ आपकी सेवा में जिंदगी भर के लिए वापस आ गया हूँ। कर भला, हो भला, अंत भले का भला, मेरा सफर जारी रहेगा, जय हिंद। वहीं सोनू सूद का ये पोस्ट अब तेजी से वायरल होने लगा है।